यस, एक डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सो ऑन. एक डेफिनेशन है, इट मींस क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट जहां पे इंडिविजुअल्स ग्रुप में रह के काम करते हैं और गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं. सो यू हैव टू रीड द डेफिनेशंस, यू हैव टू रिटेन देम, सो दैट इफ एनी डेफिनेशन कम्स एंड ही आस्क्स यू टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, यू विल बी एबल टू, राइट. देन आफ्टर दिस, इन दिस चैप्टर वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर दैट ऑल्सो यू हैव टू लर्न. इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ऑल परवेसिव, इट हैज थ्री डायमेंशंस: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. सो दैट ऑल्सो शुड बी इन योर माइंड. देन इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, इट हेल्प्स यू अचीव द गोल्स, इट इंश्योर्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट ब्रिंग्स द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट, इट इज, एक फीचर में बात करेंगे, इट इज डायनेमिक एज वेल. डायनेमिक कैसे है, जब आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एज पर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जब आप अपने आप को चेंज करते हैं तो वो क्या है, डायनेमिक फंक्शन है. तो मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग टू बी रिजिड, मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ डायनेमिक फंक्शन. देन वी हैव नेचर ऑफ मैनेजमेंट इन दिस चैप्टर एज एन आर्ट. जब वो प्रैक्टिस की बात करेगा या किसी आर्टिस्ट की बात करेगा, लाइक म्यूजिशियन की बात करेगा, मैजिशियन की बात करेगा, तो ये आर्ट है. सो मैनेजमेंट में कुछ फीचर आर्ट के भी हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज एक मेरे मैनेजर को डेली प्रैक्टिस करनी होती है, डेली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है. सो इट इज नॉट लाइक योर म्यूजिक, लाइक सेवन रागास यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी टाइम एंड वोकल प्रैक्टिस एंड द इंस्ट्रूमेंटल प्रैक्टिस यू नीड टू डू, इट्स नॉट लाइक दैट वे. बट इवन देन इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, इट डिपेंड्स अपॉन योर डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग द थिंग्स. इन दैट रिगार्ड वी कॉल इट एज एन आर्ट. देन साइंस, so management is never being called a pure science, it is always a social science. Why it is a social science? Because every time we have to deal with the human beings, theek hai, hame society mein rehne wale bandon ke sath kya karna hai, deal karna hai. So this is not a science like physics and biology which can be experimented in labs, but even then we call it a science. Why it is science? Because science ke kuch feature hamare management mein bhi dekhne ko milte hain, like cause and effect relationship. ये करोगे तो ऐसा होगा, अगर ये नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट होगा. लाइक इफ यू फॉलो डिवीजन ऑफ वर्क, अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल फॉलो करोगे, सब में काम स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांटोगे, तो एवरीबॉडी विल बी प्रोड्यूसिंग द बेस्ट रिजल्ट. लाइक इफ यू आर नॉट फॉलोइंग यूनिटी ऑफ कमांड, देन एवरीबॉडी विल बी इन डिस्ट्रेस, दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू नो हूज ऑर्डर इज टू बी फॉलोड एंड हूज ऑर्डर इज टू बी इग्नोर्ड. So unity of command, matlab you can relate it with what principles of management. So cause and effect relationship, jaise science mein hamara apply hota hai, hamara management mein bhi apply hota hai. Any other feature of science? Systematized body of knowledge, universal applicability. Science ke sare principles, chahe Japan mein apply kar lo, chahe India mein, chahe kisi aur country mein apply karo, you will be getting the same result. And same is going to be with the management. Management ke bhi principles ki universal validity hai. So in that regard, we always conclude, yes, management is a science. Then I was talking about systematized body of knowledge. जैसे साइंस की किसी भी बुक में, चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, we have certain practicals, we have certain principles. वहां पे एक हमारे पास theoretical data रहता है, ठीक है, concepts से related. Management की भी तो अपनी books हैं, management के भी तो अपने principles हैं, तो ये भी हमारा science का feature management पे क्या होता है, apply होता है. In that regard also we call management as science. Then last but not the least, management as a profession. It can be adopted as a source of livelihood. One feature we always do, restricted entry. This feature is not applicable to management. And what is the meaning of restricted entry? Like you have to clear a test. Theek hai? Lekin management ko as a profession adopt karne ke liye test is never a compulsion. But when I talk about लाइक लॉ का प्रोफेशन आपने अडॉप्ट करना है तो आपको टेस्ट क्लियर करना होगा. आपको सीए बनना है तो आपको टेस्ट क्लियर करना होगा. यहाँ पे बिना टेस्ट क्लियर किए भी आप मैनेजमेंट को ऐसा प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हैं. बट नाउ द होल सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड. इफ यू वांट टू बी अ मैनेजर यू नीड अ डिग्री एंड डिप्लोमा इन इट. एंड फॉर दैट आई ऑलवेज गिव द रेफरेंस ऑफ बीबीए और एमबीए. यू हैव टू गेट द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. एंड फॉर दैट इन आवर ओन कंट्री देयर आर टेस्ट, देयर आर सेपरेट इंस्टीट्यूशंस व्हिच गिव यू द degree for that particular field.
सो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला फीचर भी हमारी मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, एज अ प्रोफेशन। मेंबर ऑफ बॉडीज ऑफ एसोसिएशन, अगर आपने लॉ किया है और आप एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको इंडियन मेडिकल साइंस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई मेंबरशिप कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमर्स से रिलेटेड बॉडीज हैं, अगर आप उनकी मेंबरशिप ले लेते हो तो आपको एक अच्छा मैनेजर माना जाता है, बट देयर इज नो कंपल्शन। एनी अदर फीचर फ्रॉम योर साइड रिलेटेड टू प्रोफेशन? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री डन, बिल्कुल ठीक, सर्विस बहुत है। तो मैनेजमेंट में भी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जो डॉक्टर बनता है उसने पहले से कसम खाई होती है कि पेशेंट की नीड्स को मैं प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी मैनेजमेंट में भी सर्विस मोटिव को माइंड में रखा जाता है, बिकॉज दे ट्राई देयर बेस्ट टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो सर्विस मोटिव इज ऑल्सो बींग फाउंड इन व्हाट मैनेजमेंट, इन दैट रिगार्ड ऑलवेज वी कॉल इट अ प्रोफेशन। एनी अदर पॉइंट? बिल्कुल ठीक। कोड ऑफ कंडक्ट मीन सर्टेन डूज एंड डू नोट्स, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। मैनेजमेंट से रिलेटेड आमतौर पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बिजनेस फॉरम्स ने अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए होते हैं, एंड विच वी कॉल बिजनेस इथिक्स, एंड यू नीड टू फॉलो दैट बिजनेस इथिक्स, लाइक नो अडल्ट्रेशन, नो ब्लैक मार्केटिंग, नो होर्डिंग, कुछ इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन अगर आप फॉलो करते हो, कंपल्शन नहीं है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट कोई रिटर्न में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाकी सारे प्रोफेशंस में वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो इस रिगार्ड में थोड़ा सा ये फीचर मिसिंग पाया जाता है हमारी मैनेजमेंट में, बट इवन देन मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस आर बीइंग फाउंड इन मैनेजमेंट एज वेल, वी कॉल इट अ प्रोफेशन, बट स्टिल द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, स्टिल दिस प्रोफेशन इज इन इट्स इन्फेंसी स्टेज। और धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, हमारा एक इंजीनियर भी मैनेजमेंट की डिग्री या डेट अटेन करता है और वो उस फील्ड में जाके आगे क्या करता है, मास्टरी करता है। सो इन दैट रिगार्ड वी ऑलवेज कॉल, यस, मैनेजमेंट इज नोन एज अ प्रोफेशन। वंस यू आर अडॉप्टिंग इट एज अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड, देन ऑब्वियस वी कैन कॉल इट एज प्रोफेशन। देन वी हैव फंक्शंस, दो फंक्शंस आर सेपरेटली टू बी डन इन द फर्दर चैप्टर्स, बट इन दिस चैप्टर ऑल्सो ही हैज बाइफर्केटेड द टोटल फंक्शंस इनटू फाइव पॉइंट्स: प्लानिंग, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय होम इट इज टू बी डन, व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग सेट एंड यू डिसाइड अबाउट फ्यूचर, वी कॉल इट प्लानिंग। और प्लानिंग का अलग से चैप्टर हमारे इस टर्म में है। ऑर्गेनाइजिंग का भी अलग से चैप्टर हमारे इस टर्म में है, वेयर बाय यू एस्टैब्लिश एन एनवायरमेंट वेयर ड्यूटी रिलेशनशिप्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग फिक्स्ड, अथॉरिटी इज बीइंग डेलीगेटेड, सो दैट मैक्सिमम आउटपुट कैन बी अटेन्ड, सो दैट द गोल्स कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब ड्यूटीज की एलोकेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिक्सेशन होती है, वी कॉल इट ऑर्गेनाइजिंग, सो आई कॉल इट ओ हियर। देन स्टाफिंग, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड स्टाफ, जब आपको जो बंदे चाहिए आप उनकी अपॉइंटमेंट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, स्टाफिंग। ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है, राइट? राइट पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड एट द राइट टाइम टू परफॉर्म द राइट जॉब, जो जिसमें कैपेबल है आप उसे ही वो काम करने को दोगे, उस सारे प्रोसेस को हम स्टाफिंग कहते हैं। वंस द स्टाफ इज बीइंग अपॉइंटेड, यू नीड टू गिव देम डायरेक्शन, यू नीड टू गाइड देम, यू नीड टू इंस्ट्रक्ट देम, और इस प्रोसेस को हम डायरेक्टिंग कहते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सी, कंट्रोलिंग। व्हाट यू हैव डिसाइडेड इन योर प्लानिंग, नाउ द टाइम हैज कम, यू हैव टू चेक इट, एंड व्हेन द प्लानिंग इज बीइंग डन एंड स्टैंडर्ड्स आर बीइंग सेट, नाउ द टाइम हैज कम वेदर द स्टैंडर्ड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। तो कंट्रोलिंग में हम चेक करेंगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान आउट किया था, वैसा हम लोगों ने अचीव किया है कि नहीं। सो दिस होल प्रोसेस ऑफ चेकिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज बीइंग कॉल्ड कंट्रोलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन, अ सेपरेट फंक्शन, मींस एक्सेप्ट दीज फाइव फंक्शंस, वी हैव द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच वी कॉल कोऑर्डिनेशन। Synchronization of the efforts of the group working in your organization. जो भी ग्रुप के बंदे आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनमें तालमेल बिठाने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज बीइंग कॉल्ड अ बाइंडिंग फोर्स। जैसे माला में मोतियों को पिरोने के लिए एक धागे की जरूरत है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड का काम करता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए वी ऑलवेज नीड और वी ऑलवेज इंश्योर कोऑर्डिनेशन, ताकि सारे लोग मिलजुल के काम करें, लड़ाई झगड़े हमारे कम से कम हो। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल। एक बात हमेशा मेरे माइंड में आती है और तीन पॉइंट उसने इंपॉर्टेंस के आपकी बुक में दिए हैं,
Why the coordination is being required? Increase in the size of organization. जैसे जैसे head your organization is working as a sole proprietor, coordination किसके साथ करना है? अकेला ही तो बंदा. जैसे business का size बढ़ना शुरू होता है, different departmental head आप appoint करते हो, different functional head आप appoint करते हो, आपस में उनके clashes आ जाते हैं. उन clashes को दूर करने के लिए और रोकने के लिए coordination is essential. So coordination is always essential when you grow in your size. Growth in the size. तो पहला point उसने बनाया ही यही है, growth in size. Conflicts को रोकने के लिए, क्योंकि एवरी डिपार्टमेंटल हेड विल बी कंसिडरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज द बेस्ट पर्सन. ऐसे क्लैशेस को रोकने के लिए, बिकॉज वी विल बी स्ट्रेसिंग दैट यू हैव टू अडॉप्ट ओनली वन गोल. आपको अपने पर्सनल गोल्स साइड पे रखने हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को स्ट्राइव करना है. सो फॉर दैट पर्पस ऑल्सो वी ऑलवेज नीड वॉट कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन के जो भी तीन पॉइंट आपको दे रखे हैं, सिंगल सिंगल पैराग्राफ है, दैट इज स्ट्रेसिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. दिस इज ओवरऑल क्रक्स ऑफ द चैप्टर. अब आपको कोई भी टॉपिक जब आपने पेपर के लिए तैयार किया था, ये चैप्टर कोई भी आपको लगता है कि मैम को बोलेंगे कि कभी री एक्सप्लेन करो, दैट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल बी पुटिंग द क्वेश्चन एंड यू विल बी आंसरिंग एनी टॉपिक फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. इफ यू वांट कि दिस शुड बी रिवाइज्ड री रिवाइज्ड इन द क्लास, दैट यू कैन आस्क. सो 2 मिनट्स आर विद यू. हाँ जी, दोबारा बोलो. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, President, Vice President of, Departmental Head or Functional Head like Production Manager, like Head of Cosmetic Department, that is the middle level. Board of Directors top level, वो तो पता ही होगा. GM top level, GM means General Manager top level. चलिए जी, let's discuss. Order में चलेंगे, ठीक है जी. Which is not the function of management? How many functions of management I discuss with you? Five, है ना, coordination को अलग अगर रखे. अब उसने एक लिस्ट दी है, which is not the function of management. Planning है, staffing है, cooperating है, no. So you will be putting on the C tick, or controlling is also the function. Okay, this is the right time to discuss two things with you. One is coordination and other is cooperating. Do you know about it? One term is coordination and other term is cooperation. मैं एक example देती हूँ. There is a group of 50 persons working in cosmetic department, right? 50 बंदे हैं cosmetic department में काम कर रहे हैं. उस 50 में से एक बंदा बहुत ही poor family को belong करता है, उसकी daughter की शादी है, ठीक है? Every other person is like watching him daily. He is in distress. He is being disappointed because he doesn't have the money to spend upon his daughter's marriage. So every other person except him decided to help him financially. ठीक है, सबने एक एक हजार कॉन्ट्रीब्यूट करा और 49,000 जोड़ के मैनेजर ने 5,000 अपनी तरफ से डाला. 49 + 5, 54,000 उसको फाइनेंशियल हेल्प एक एनवेलप में डाल के दे दी. इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन? सो कोऑपरेशन की डेफिनेशन है योर विलिंगनेस टू हेल्प ईच अदर. किसी ने नहीं बोला आपको उसकी हेल्प करने को. उन सारे उसके कोवर्कर्स ने खुद डिसाइड किया कि हमें इसकी फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, हम लोगों से इसका दुख नहीं देखा जाता. सो दैट इज कोऑपरेशन. व्हेन यू डिसाइड ऑन योर ओन टू हेल्प योर कोलीग्स, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेशन. मान लो केस सेम है, वही बंदा है, वही 50 बंदे हैं, एक बंदे की बेटी की शादी है और मैनेजर कहता है बाकी सारे वर्कर्स को हम 1,000 इसको देंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन. जब आपके सीनियर ने बोला कि हमें इसके साथ मिलजुल के रहना है और इसकी हेल्प करनी है, मतलब किसी ने आपको फोर्स किया, ठीक है? यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या है, लाइक वन डे सैलरी वी विल जस्ट गिव हिम. सो मैनेजर गाइडेड यू इन दैट केस. जब किसी के कहने पे आप किसी दूसरे बंदे की हेल्प करते हो तो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन है. राह चलते किसी ओल्ड एजेड पर्सन को आप सड़क पार करवा देते हो, कोऑपरेशन है, क्योंकि वहां पे आपने किसी आपको किसी ने गाइड नहीं किया, आपकी अंतरात्मा ने आपको बोला कि यस आई शुड हेल्प हिम और हर. दिस इज व्हाट कोऑपरेशन. आप अपनी मर्जी से जब दूसरे बंदों की हेल्प करते हो तो वो कोऑपरेशन है. जब आपका सीनियर आपको बोलता है कि हमें इस बंदे की हेल्प करनी है एंड इट इज कंपल्सरी, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेशन. सो डिफरेंस इज क्लियर. तो इस तरह से कोई भी केस स्टडी ही कैन पुट एंड ही कैन आस्क. आगे चलते हैं. पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल और नन ऑफ दीज. टॉप लेवल पॉलिसी कौन बनाएगा?
Planning is the function of which level? Yes, good. All level. This should be the practice. हर लेवल पे प्लानिंग होगी, ये नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल करेगा. चलिए जी आगे चलते हैं. Which of the following is a feature of management? ध्यान से सुनना तीनों पॉइंट. Which of the following is a feature of management? Goal oriented process, multi dimensional, continuous process. Yes, all of these. सारे ही क्या है? Features है. चलिए आपके वाला क्वेश्चन आ गया. मिस्टर दीक्षित चौहान इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर. एट विच लेवल ही इज वर्किंग? मिडल. जब डिपार्टमेंटल हेड हैं, फंक्शनल हेड हैं, तो वो मिडल लेवल पे काम कर रहे होते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट. कार्तिक, क्वेश्चन इज फॉर यू. एवरी अदर स्टूडेंट विल लिसन टू क्वेश्चन केयरफुली. Which level of management ensures coordination in the activities so that work progresses as per plans? Middle level ensure coordination or top level ensure coordination? You tell. Yes, let's justify it. कौन सा level coordination को ensure करता है? Let's see his key. Middle ही होगा क्योंकि उसके under group में बंदे काम करते हैं. मिडल लेवल. ही सेज टॉप लेवल. ही सेज टॉप लेवल. एनसीईआरटी में देखो. आई ब्रॉट द बुक एनसीईआरटी. देखना वहां पे है एनसीईआरटी फर्स्ट बेंच पे बैक के पे. Thank you.